coming. I think we've received a great amount of support ever since the trailer came out. I want to thank you all for that. We've nearly touched 13 million views on this trailer, and I think that speaks for itself. It's the spirit that we always wanted our country to have. And that spirit we are trying to capture in this song, and hope that it makes the right noise that it should. Actually, ये गाना लिखा गया था या हमने कंसीव किया था, लिखा तो गया था अभी, बट इसका जो आइडिया था कि एक फोर्स इस फिल्म का एक एंथम होना चाहिए और इट शुड हैव मीनिंग एंड वी शुड टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाइडर एंड बिगर एंड यू नो रीच इट आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय गौरव एंड रोशन. द लिरिक्स हैव बीन रिटन बाय कुमार and it's sung by Dev, a young singer, and of course the voiceover is done by John. Our music partner on this film is T-Series, Mr. Bhushan Kumar. John, Sonakshi, aapse jana chahunga is pure song ka idea kiska tha and what is the whole idea about it? I think Abhinay is the right person to answer that question. Abhinay, if you can just take that, because kafi discussions were is gaane ke bare mein. I think Abhinay will take you through the process. Jaise ki maine pehle bhi kaha tha actually ki ye hamari discussion shuru hui thi jab ek anthem song karne ka idea aaya tha ki is film ke liye force anthem ye bahut zaruri tha jo ki ye is film ka ek saar तीन मिनट में बता सके या फोर्स इस शब्द के कुछ और मीनिंग्स लोगों के सामने रख सके. आप गाने का हिस्सा हैं, वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम वीडियो देखते हैं जिस तरह से आपके यू नो एक्सप्रेशन है चेहरे पे लाल लाल, और जब आप गा रहे हैं तो बहुत दिल से गा रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी करी जॉन आपने? जी सर, इतना मुश्किल था? नहीं, मैं क्रेडिट कुमार को देना चाहता हूँ. क्योंकि जब भी मैं गा रहा था अभिनय को पता है कि एवरी टाइम एक देयर पॉइंट्स इन द सॉन्ग वेयर आई नियरली हैड टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि एकदम गुस्से में गा रहा था मैं, एकदम पैशन के साथ, एंड आई थिंक इट कम्स नेचुरली. एंड ऑनेस्टली इफ यू आर एन इंडियन इट विल कम नेचुरली, वो तो आएगा ही आएगा. एंड इट जस्ट शोड इन एवरी शॉट एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. जो प्रोसेस था मेरे लिए was absolutely fantastic. हालांकि सिर्फ एक voice over था, but I think it was fantastic, just extraordinary. सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे है, अकीरा के बाद दूसरी फिल्म फोर्स टू, और यहाँ पे भी आप बेहतरीन एक्शन करती नजर आ रही हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा, खास करके जो गाना हमने आज देखा उसके बारे में जानना चाहूंगा, और बैक टू बैक एक्शन फिल्में कर रही हैं आप, कोई खास वजह फिल्में इस तरह से मिल रही हैं या आप खुद प्रेफर कर रही हैं एक्शन करने के लिए? नहीं, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक्शन फिल्में बैक टू बैक आई मेरे पास, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे दोनों रोल्स बहुत पसंद आए और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है. स्टाइल ऑफ एक्शन भी दोनों फिल्मों में बहुत अलग है. सो हाँ, एंड मुझे एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है, उनका हिस्सा बनना पसंद है. सो और रोल वॉज फैंटास्टिक, तो उन सब रीजन्स के लिए मैं इस फिल्म का मोर सीरियसली ये इस फ्रेंचाइज की मेरी पहली पिक्चर है. एंड लाइक सोनाक्षी सेड, यूजुअली एक्टर्स को इस बात की टेंशन होती है कि यार पिक्चर चलेगी कि नहीं, लोग देखने आएंगे कि नहीं. इट्स सो रिलीविंग, और बहुत गर्व होता है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर आए हैं जिसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो सवाल तो उठता ही नहीं है कि लोग देखेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब ट्रेलर ऑनलाइन गया तो जिस तरह का रिएक्शन हमें मिला वो ज़्यादातर फोर्स वन के और जॉन के फैंस थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे काम को. तो एक तरह से प्रेशर है, बट ऑन दी अदर हैंड इट्स ऑल्सो वेरी रिलीविंग टू नो कि यू आर पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज दैट ऑलरेडी हैज एन ऑडियंस बेस.